स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है दुख और सुख की मां से ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी माँ जो है उसको छोड़कर चली जाती है और सौतेली माँ आती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करती है और फिर एक समय पर गाय माताएं और नाग देवता जो है उसकी कैसे मदद करते हैं क्यों करते हैं ये कहानी सुनेंगे तब जानेंगे तो आइए सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ यानी आपकी अपने नीति के साथ एक बार की बात है एक बहुत प्रतापी और सोचवान राजा थे वे बड़े दयालु और गरीबों की मदद करने वाले थे और शायद इसीलिए भगवान ने उनको उनके इन्हीं शुभकर्मों का फल उनकी संतानों के रूप में दिया था एक लड़का एक लड़की दोनों भाई बहन का आपस में बहुत प्यार था राजा रानी अपने संतानों का प्रेम देख हमेशा निहाल हुआ करते एक दिन रानी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई रानी को राजा ने बहुत से वैद्यों को दिखाया परंतु रानी को कहीं से आराम ना मिला कई वैद्यों ने बताया कि आप रानी को थोड़ा खुले वातावरण में ले जाएं, शायद प्रकृति की छत्रछाया में इन्हें आराम मिले राजा ने अगले ही दिन राजमहल के बाग में रानी के आराम और भ्रमण के सभी संसाधन उपलब्ध करवा दिए उस से रानी अक्सर ज्यादा समय बाग में ही बिताती रानी की तबीयत में अब सुधार आने लगा था एक दिन जब राजा रानी का हालचाल लेने बाग में पहुंचे तो रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब उस पेड़ की तरफ तो देखिए जरा राजा ने उस पेड़ की तरफ देखा और कहा हा पेड़ है तो रानी ने कहा कि देखिए मैं कई दिनों से देख रही हूँ इस पेड़ पर जो चिड़िया के बच्चे हैं उन्हें चिड़ा चिड़ी दोनों मिलकर पालते थे लेकिन एक दिन चिड़िया ना जाने कैसे मर गई तब से चिड़ा भी इनके लिए भोजन नहीं लाता राजा ने कहा अच्छा खैर छोड़ो ये तो बताओ तुम तो अब पहले से बेहतर लग रही हो रानी ने कहा हाँ बेहतर तो हूं पर मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूँ आप मुझसे वादा करो कि आप इस चिड़े के जैसे नहीं करोगे आप मेरे बच्चों का मुझसे ज्यादा ध्यान रखोगे राजा ने रानी का हाथ थामते हुए कहा कि रानी आप ऐसा क्यों कहती हैं आपको कुछ नहीं होगा मगर रानी थी कि बस एक ही बात पर अड़ी थी तो फिर हार कर राजा ने रानी से वादा कर ही दिया रानी को जैसे पता चल गया था कि उसका अंत समय आ गया है और वह हर वक्त अपने बच्चों को लाड लड़ाती। बड़े बेटे को तो अक्सर समझाती कि देख कृष्णा मेरे बाद तुझे अपनी बहन का तुझे ही ध्यान रखना है बच्चे अबोध होते हैं उन्हें क्या पता था कि माँ ऐसा क्यों कहती है वो भी हा में हां से हिलाकर फिर खेलने लगते समय बीतता गया और एक दिन रानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वह स्वर्ग को सुधार गई इधर रानी की मृत्यु ने राजा को और उनके बच्चों को तोड़ दिया बच्चे तो समय समय पर मां के लिए रोते बाकी खेला करते पर राजा ने तो जैसे मौन ही धारण कर लिया था धीरे धीरे उदासीनता ने उनको अपना दास बना लिया वे खुद को एक कमरे में बंद रखते राजा को तो ना अपने बच्चों की फिक्र रहती ना राज्य की पड़ोसी राज्यों को जब से राजा के इस हालत का पता चला तब से एक एक कर वे उस पर कब्जा और हमला करने के प्रयास करने लगे राज्य की प्रजा पर जुलम होने लगे थे प्रजा राजा से कुहार लगाने आती पर राजा कहा मिलते अब तो न प्रजा का कोई सहारा बचा था और न बच्चों का इधर राज्य के लोगों की पीड़ा राजगुरु रोज सुनते परेशान रहते पर उन्हें कोई उपाय ना सोचता एक दिन राज्य के जोशी ने राजगुरु को बताया कि राजा के जीवन में दूसरी शादी का भी संयोग है पर यह कैसे होगा ये तो स्वयं जोशी भी नहीं जानते थे राजगुरु ने जोशी से कहा कि आप ही उन्हें शादी के लिए मना सकते हैं क्योंकि राजा को उदासीनता से बाहर लाने का यही एक उपाय है सबने जाकर राजा से गुहार लगाई पर राजा को कहा किसी की पड़ी थी इधर राजगुरु को एक उपाय सूझा उन्होंने राजा के बच्चों को बुलाया और उन्हें समझाया कि तुम लोग जाकर अपने पिता से अपने लिए माता लाने की बात कहो इंसान अपने लिए ना सही पर बच्चों के लिए बहुत कुछ कर गुजरता है तो इस तरह बच्चों ने अपने पिता को दूसरी शादी के लिए मना ही लिया कुछ ही दिनों में अच्छी मुहूर्त में राजा एक नई दुल्हन ले आए राजा ने अपनी इस नई रानी को समझाया तो था ही कि वो अपने बच्चों के लिए माल आए हैं पर ये रानी तो राजा की उम्मीदों से ज्यादा अच्छी माने वो बच्चों का इतना ध्यान रखती कि बच्चे भी कहते ना थकते कि ये तो हमारी पहली माँ से भी ज्यादा अच्छी है। और इस प्रकार एक साल के अंदर नई रानी ने राजा और बच्चों के दिल पर इस तरह कब्जा कर लिया कि राजा और बच्चे उसके बिना सांस तक ना लेते समय बीतता गया और एक दिन रानी गर्भवती हो गई इसी बीच राजा ने शिकार पर जाने की इच्छा जाहिर की शिकार पर जाने से पहले उन्होंने रानी से कहा कि मेरे बाद बच्चों का और अपना ध्यान रखना मैं जल्द ही आऊंगा रानी ने राजा को बड़े ही प्यार से विदा किया इधर राजा के जाते ही रानी के रानी ने सेवकों को आदेश दिया कि राजा को रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए सेवकों ने वैसा ही किया राजा को मृत्यु लोग पहुंचाने में उनके विश्वास पात्र मंत्री ने ही पहलावार किया था राजा की मृत्यु के बाद रानी ने खूब स्वांग रचा कभी बच्चों का माथा चूमती और कभी रोने लगती और इस तरह कुछ महीनों तक स्वांग रचने के बाद उसने अपना असली रंग दिख, जो है दिखाना शुरू कर दिया जब से रानी को बालक हुआ था वह लोभवश अपने सोतेले बेटे को मानना चाहती थी उसे लगता था कि जब तक उसका सोतेला बेटा जिंदा है उसके बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा प्रजा उसके बेटे को राजा कभी नहीं मानेगी और इसलिए वह उसे तरह तरह की यातनाएं देने से भी बाज ना आती रानी ने नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया और अपने सोतेले बेटे को सारे काम करने का हुक्म दिया। यहां तक कि सो गायों को रोज चराना, नहलाना और बाकी के उनके तबेले की सफाई तक जैसे कार्य भी उसे सौंप दिए और भोजन में क्या देने का आदेश दिया बासी रोटी ताकि वह स्वयं देश छोड़कर चला जाए या देव योग से मर ही जाए मां को बेटे को मां का बदला रवैया समझ नहीं आ रहा था फिर भी वह सोचता कि हो सकता है माँ के इस आदेश में भी मेरी भलाई छुपी हो भाई कृष्णा को काम करता देख छोटी बहन माला से भी ना रह जाता और वह भी भाई के साथ रहती काम करवाती भाई तो बड़ा था भूख सह लेता पर बच्ची कहां सह पाती और इसी तरह एक दिन गायों को चराते समय दोनों भाई बहन बैठे रो रहे थे भूख से विवश कृष्णा अपनी बहन को समझा रहा था कि आज तू मेरी रोटी भी खा लेना उधर गायों में से एक बूढ़ी गाय ये सब देख और सुन रही थी वो उनके पास आकर बोली यहां पर बता देना चाहूंगी कि कहते हैं कि पहले के जमाने में जानवर भी बोला करते थे तो वो गाय माता उनसे बोली बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है मैं इतने दिनों से देखती हूं तुम अक्सर दुखी रहते हो बच्चों ने सारी बात बता दी गाय माता ने कहा रो मत। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर सकते हो इससे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पेट अवश्य भरेगा और कुछ दूध जंगल के पास गांव में बेचकर खाने का इंतजाम भी कर सकते हो इस पर बच्चे बहुत खुश हुए उन्होंने ऐसा ही किया अब धीरे धीरे वह हर्ष पुष्ट हो गए थे इधर रानी ने देखा कि ये बच्चे तो भूख से मरने के बजाय और हष्ट हो गए हैं आखिर राज क्या है अपने बेटे को मैं तो तरह बतरह के पकवान खिलाती हूँ और फिर भी ये हष्ट नहीं है और ये दोनों तो दिन प्रतिदिन बासी रोटी खाकर निकलते जा रहे हैं इस राज को जानने के लिए उसने एक सेवक को उन बच्चों की जासूसी के लिए भेज दिया सेवक ने देखा कि बच्चे किस तरह गायों का दूध बेचते हैं और खाने की चीजों का इंतजाम करते हैं जो दूध बचता है उसे बच्चे स्वयं जाते हैं उसने खबर जाकर तुरंत रानी को बताई। रानी से इंतजार ना किया गया पहले तो वह देव योग से बच्चों को मारने का जो है इंतजाम करना चाहती थी ताकि जब बच्चे अपने आप मरे तो प्रजा या किसी और को उस पर शक ना हो पर अब तो वह उन्हें तुरंत के तुरंत खत्म कर देना चाहती थी उसने उन्हें और गायों को तुरंत मारने का निर्णय सुनाया। वो वो नहीं चाहती थी कि गायें उसकी दोबारा मदद करें। उसने अपने सेवकों को उन बच्चों को और गायों को मारने का आदेश तुरंत के तुरंत दे दिया उन सेवकों में से एक सेवक बहुत ही बहुत ही कोमल हृदय का था उसने जाकर चुपके से बच्चों को बता दिया कि आप अंधेरा होने पर देश जो है वो छोड़ दें क्योंकि आधी रात में आपको नींद में ही खत्म करने की व्यवस्था कर दी गई है बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कृष्णा रोता हुआ अपनी गायों के पास गया उसी बूढ़ी माँ से अपनी व्यथा कहने लगा बूढ़ी गाय माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो और हम तुम्हारी सो माताएं तुम्हारी बिना नहीं रह सकती वैसे भी तुम्हारे बात तो हमें भी मार दिया जाएगा हम तुम साथ ही चलेंगे आधी रात को गायों के साथ कृष्णा और उसकी बहन ने देश छोड़ दिया इधर आधी रात होते ही उसी सेवक ने आकर यानी जिसने बच्चों को भगाया रानी को बताया कि उसने बच्चों को गला घोट कर मारने के बाद नदी में फेंक दिया है अब क्योंकि रानी जो है वो सेवक पर अंधविश्वास करती थी या यूं समझ ले सेवक ने इतना विश्वास बनाया था कि रानी को उस पर शक ही न हुआ और वो अपने बेटे के तिलक समारोह के का जो है आयोजन करने आयोजन करने का इंतजाम करने लगी उधर कई रात दिन चलने के बाद कृष्णा अपनी गाय माताओं के साथ एक गांव के किनारे पहुंचा गांव के पास एक बहुत सुंदर नदी थी सब वहीं रुके स्नान आदि करने के बाद सबने विश्राम किया तत्पश्चात जो थोड़ा कुछ खाने का सामान बचा था कृष्णा और उसकी बहन ने खाया गाय भी पास ही के जंगल में चलने के लिए चली गई कृष्णा ने यहां भी अपना व्यापार कुछ दिनों में शुरू कर दिया वो रोज पास के दो तीन गांव में जाकर दूध बेचता और बदले में खाने पीने की चीजें लाता अब तो वो गाय माताओं के लिए भी तरह बेतरह की खाने की चीजें लाने लगा धीरे धीरे कृष्णा उस आस पास के गांव में कृष्णा ग्वाले के नाम से जाना जाने लगा जो भी एक बार उसका दूध खरीदता वह कई और लोगों को भी बताता सब गांव वालों ने मिलकर कृष्णा और उसकी गायों के लिए गांव के पास की थोड़ी जमीन भी दे दी और कृष्णा ने व्यापार से मिले धन से उस जमीन के पैसे तो चुकाए ही साथ ही उस पर एक आलिशान घर भी बनवाया जहां वो अपनी माताओं के साथ रहने लगा उधर जब भी कृष्णा व्यापार के लिए घर से जाता इसकी बहन माला अक्सर घर में बचे हुए दूध को पीछे वाले बाग में फेंका थी ताकि उसका भैया उसके साथ भी थोड़ा समय व्यतीत करे वे सोचती अगर दूध रहेगा तो भैया फिर उसे लेकर बेचने निकल जाएगा और इसलिए वो ये सब करती एक दिन जब वे फिर से दूध फेंकने निकली तो उसने देखा दो नाग बिल से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो गई वो जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला ना सकी अचानक उसने देखा वो दोनों नाग दिव्य रूप में आ गए थे उसने आज से पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा उसके सामने एक सुंदर पति पत्नी का जोड़ा था वो कुछ कहते इससे पहले उन्होंने कहा पुत्री हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए बताओ तुम्हें क्या चाहिए बालक को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सेवा कैसी सेवा उसने पूछा आप कौन है और मैंने आपकी सेवा कब की तब वो दोनों बाल बुद्धि पर हंसने लगे और कहा हम वही हैं जिनकी बिल में तुम रोज दूध डालकर जाती थी हम तपस्या में थे क्योंकि हमें इच्छाधारी होने का वरदान पाना था और तपस्या में होने की वजह से हम अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते थे और उन दिनों में तुम्हारे दिए दूध ने हमारी बहुत मदद की यह सब किस्सा सुनकर माला को समझ आ गया कि यह सब क्या है और उसने अपनी भी सच्चाई उन लोगों को बता दी कि वो दूध बिल में नहीं जमीन पर फेंक कर जाती थी ताकि उसका प्रिय भाई उसके साथ रह सके फिर भी नाग नागिन ने उससे वरदान मांगने को कहा इस पर माला ने कहा कि ठीक है अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे दो बांसुरियां चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूं एक बांसुरी दुख की हो दूसरी सुख की हो जिसे बजाने से मेरा भाई कहीं भी हो मेरे पास आ जाए अक्सर मेरी गाय माताएं भी मुझे छोड़कर चली जाती हैं मैं हमेशा घर पर अकेली होती हूं। नाग नागिन ने कहा यह क्या बस और कुछ मांग लो तब तो उसने कहा नहीं मुझे सिर्फ मेरे भाई का साथ चाहिए नाग नागिन ने उसे दो बासुरिया वरदान में दे दी अब तो माला ने उनका धन्यवाद किया और तुरंत बांसुरियों की परख करने के लिए सबसे पहले दुख की बासुरी बजाई। बासुरी की धुन ऐसी थी मानो माला के रोने की आवाज कृष्णा के कानों में जा रही हो कृष्णा को एक पल को तो वहम लगा कि इतनी दूर कैसे माला के रोने की आवाज आएगी लेकिन जब लगातार वो रोने की आवाज उसके कानों तक पहुंचती रही तो वो सब काम काज छोड़कर घर घर आ आ गया। आकर देखा, तो वही रोने की आवाज़ से से रही थी। ने माला से पूछा, तो सब राम कहानी पता चली बासुरियों की सच्चाई को सुनकर वह भी बहुत खुश हुआ उसने सोचा बाहर का काम वह मन लगा कर कर पाएगा घर की उसे और माला की चिंता नहीं रहेगी लेकिन माला अक्सर झूठ बोलकर वो दुख की बंसी बजाती और भाई को घर बुला लेती इससे भाई कृष्णा ने कई बार उसको डांटा भी था कई बार उसे नाग नागिन ने भी ये सुझाव दिया था कि अगर अब तुमने बजाई तो तुम्हारी दुख दोनों जो हमने वरदान दिए हैं वो छीन लेंगे खैर माला को समझ आ गया था कि इसका दुरुपयोग नहीं करना है और इसलिए वे अब ज्यादा बजाती नहीं थी एक दिन देवयोग से माला जो है बांसुरियों को आंगन में भूल गई बांसुरियों को एक कौआ उठा ले गया कौ को बांसुरी ले जाते हुए माला उसके पीछे भागी भागते भागते वह एक महल तक पहुंची दरअसल वो कौआ एक राजकुमारी का भक्त था वह राजकुमारी रोज उसे दूध चावल खिलाया करती थी उसे माला का भाई कृष्णा बहुत पसंद था उसे बांसुरियों की सच्चाई तो नहीं पता थी पर हां पता था कि माला को अपनी जान से प्यारी है और माला कृष्णा को जान जो है माला जो है है कृष्णा की जान इसलिए माला ही जो है वो अपने भाई को शादी के लिए मना सकती है इसलिए उसने कवियों को कहा कि आज तुम्हें दूध चावल तभी मिलेगा जब तुम उन बांसुरियों को मेरे पास लाओगे कृष्णा को पहली बार राजकुमारी ने महल के किसी समारोह में देखा था तब से वो इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी उसके पिता ने तो पता भी लगा लिया था परंतु पता लगाने के बाद कृष्णा को शादी का प्रस्ताव भी भेजा गया था परंतु कृष्णा हर बार इनकार कर देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी और उसकी बहन के बीच में आए इसके चलते राजकुमारी के पिता ने कई बार उसकी राजकुमारी की शादी जो है एक, बढ़ एक से बढ़कर एक राजकुमारों से तय की थी पर राजकुमारी की यही जीत थी कि उसे उसी दूध वाले जो ग्वाले से शादी करनी है जो समारोह में दूध देने आया था राजकुमारी के पिता ने भी कई बार कृष्णा को शादी का प्रस्ताव भेजा था पर कोई फायदा नहीं हुआ और इन सब बातों से तंग आकर राजकुमारी ने तरकीब निकाली कौए को वासे ले जाते हुए देख माला जब महल तक पहुंची तो वहां उसका स्वागत फूलों से हुआ क्योंकि राजकुमारी को पहले से ही पता था कि माला अवश्य आएगी माला ये सब देखकर बहुत अचंभित थी कि ये क्या खैर माला अंदर गई राजकुमारी ने उसको गले लगाया माला ने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानती राजकुमारी ने कहा कि मैं आपको पहचानती हूँ आप कृष्णा की बहन है ना माला ने कहा हाँ पर आपको कैसे पता तब जाकर राजकुमारी ने सारी बात माला को बताई और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी कि उसने तुम्हारी बंसुरी को ऐसे चुरवाया और यहां तक तुम्हें आना पड़ा पर क्या करूं तुम्हारा भाई कृष्णा तो मानता ही नहीं था खैर माला तो यह सब जानकर फूली न समाई कि अब उसको घर में अकेला नहीं रहने पड़ेगा मां जैसी भाभी उसको मिल जाएगी और इस तरह कुछ दिनों में उसने अपने भाई को शादी के लिए मना लिया इस तरह राजकुमारी ने कुछ दिनों में माला के लिए भी राज्य स्वयंवर रचाया और माला ने भी अपने मनपसंद जो वर से शादी रचा ली कृष्णा की शादी के एक साल बाद कृष्णा के ससुर यानी राजकुमारी के पिता का देहांत हो जाता है और कृष्णा को राजा बना दिया जाता है कृष्णा राजा बनने के बाद अपने पिता की भांति प्रजा का दुख सुख पता करने अक्सर राज्य का भ्रमण करता करता था एक दिन वो एक झोपड़ी के पास से गुजरा झोपड़ी से जोर जोर से कराने की आवाज आ रही थी कृष्णा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए और अंदर देखिए कौन दुखियारी कौन है जो इतना दुखी है कर देखिए सेवक अंदर गया और फिर बाहर आ गया और कहने लगा जीहुजूर कोई नहीं है मुझे तो कोई नहीं दिखा कृष्णा को तब भी करहाने की आवाज आ रही थी इस बार कृष्णा ने स्वयं अंदर जाकर देखने का फैसला किया वो झोपड़ी के अंदर गया उसने देखा झोपड़ी जो, में कोई भी नहीं था फिर भी उसे करहाने की आवाज लगातार आ रही थी वो इधर उधर देखने लगा अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में एक नागिन खून से लथपथ छटपटा रही थी कृष्णा को समझ नहीं आया कि इसके कराने की आवाज है किसी मनुष्य की अब क्योंकि झोपड़ी में कोई और था नहीं तो उसने अपना थोड़ा आइडिया लगाया दिमाग लगाया कि ये जरूर इसी के कराने की आवाज है कृष्णा ने तुरंत उस नागिन को बिना डरे उठाया और उसके घाव को साफ कर उस पर मरहम लगाया मरहम लगाते ही वह नागिन एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई कृष्ण को समझ आ गया कि एक इच्छाधारी नागिन है कृष्ण ने पूछा कि तुमने ऐसा स्वांग मेरे साथ क्यों रचाया आखिर क्या मिला तुम्हें ऐसा करके तो नागिन ने जवाब दिया कि मैं नहीं मैं वही इच्छाधारी नागिन हूं जिसने तुम्हारी बहन को वरदान दिया था मैं तब से तुम्हारी बहन पर नजर रखती थी तब से तुमको देखती आई हूं मैं आज तुम्हें यहां आशीर्वाद देने आई हूं और देखना चाहती थी कि तुम अपने पिता की तरह दयावान राजा हो कि नहीं पिता का नाम सुनते ही कृष्णा ने टोकते हुए तुम्हारी मां की दासी हूं कृष्णा यह सुनकर एक पल के लिए तो बहुत हैरान हुआ पर फिर भी उसने हौसला करके पूछा कि तुम मेरी मां को कैसे जानती हो उनकी दासी तुम कैसे क्या कहना चाहती हो साफ बताओ तब उस स्त्री ने कहा कि जब तुम्हारी माँ बीमारी की हालत में बाग में रहती थी तब एक दिन एक नेवला मेरे पति को मारने ही वाला था तभी तुम्हारी माँ ने उस नेवले को भगा मेरे पति की जान बचाई थी तब से मैं उनकी ऋणी थी वह दुख और सुख की बंसी मैंने इसलिए तुम्हारी बहन को दी थी क्योंकि मैं मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को जो है तुम लोगों का पूरा ध्यान रखूंगी वह सेवक जो तुम्हें खबर देने गया था जो तुम्हारी सौतेली मां तुम्हें मरवाने वाली थी वो मेरे पति थे हम कोई दूध उध देने से खुश नहीं हुए थे क्योंकि हम दूध पीते ही नहीं है ये तो दुनिया का भ्रमण भ्रम ब्रह्म है हमने तो तुम्हारी बहन को इसलिए भ्रमित किया ताकि वह हमसे डरे ना अगर वो डर जाती और तुम्हें बताती तो तुम जरूर हमें किसी से सपेरे से पकड़वा देते फिर ना तो हम अपनी तपस्या पूरी कर पाते ना हम अपने नागलोक जा पाते और ना तुम्हें अपनी सच्चाई और तुम्हारी माँ के बारे में बता पाते आज मैंने तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा को पूरे पूरी करने का सोचा और ये स्वांग रचाया ताकि तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिल सके ताकि वो देख सके कि उसके बच्चे अब किसी के अधीन नहीं हैं कृष्णा यह सुनकर रोने लगा उसने कहा मां क्या माँ अब भी मुझे देख रही हैं नागिर ने कहा हां मां ऐसे ही होती है मरने के बाद भी बच्चों की फिकर में रहती हैं और उसकी आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हमारी संतानें अब खुद की रक्षा कर सकती हैं और इतना कहकर वो नागिन भी याद करता रहा वो दिन भी बीत गया और कृष्णा और उसके जो उसकी पत्नी सुखी सुखी रहने लगे उधर माला भी अपने परिवार में बहुत ही खुश थी अब वो दुख की बंसी नहीं बजाती थी वो अक्सर सुख की बंसी बजाती थी ताकि उसके भाई को कभी कष्ट ना हो उसे भाई को कभी भी यह ना लगे कि उसकी बहन दुख में हो क्योंकि वह अब समझदार हो चुकी थी कहते हैं ससुराल में कितना भी दुख हो पर भाई या पिता को बताना नहीं चाहिए उधर एक दिन कृष्णा के सेवकों ने आकर कृष्णा को बताया कि एक दुखियारी आपसे मिलने की जिद लगाए है कृष्णा ने कहा कि फौरन उसे दरबार में लाया जाए जैसे वो दुखियारी अंदर आई कृष्णा उसे देख उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा माँ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई दरअसल वो कृष्णा की सौतेली मां थी कृष्णा की मां कहने पर वह हैरान हो उसे देखने लगी उसने पूछा तुम मुझे माँ क्यों कहते हो मैं भापिन तो किसी की मां नहीं हो सकती खैर कृष्णा तो माँ को पहचानता था पर उसकी माँ ने उसको नहीं पहचाना तब कृष्णा ने अपना परिचय बताया साथ ही बताया कि वो कैसे बचा कृष्णा की सौतेली मां उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि शायद शायद उसके पापों का भुगतान वो कर रही है उसने बताया कि जिस सगी बेटे के लिए उसने कृष्णा को मरवाने का आदेश दिया था उसी बेटे ने उसको घर से निकाल दिया है उसका सगा बेटा लड़की और ऐशो आराम के फेर में पड़ पूरे राज्य को खा गया और अंत में उसे भी घर से निकाल दिया भगवान किसी को भी ऐसी औलाद ना दे कृष्णा ने सब बातें सुनने के बाद सेवकों को आदेश दिया कि वो उन्हें ले जाएं और दासियों से कहकर उनको स्नान करवाएं अच्छे वस्त्र पहनाएं और भोजन करवाने के बाद मेरे पास ले आए सेवकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया जब कृष्णा की सौतेली मां दरबार में तैयार होकर आई तो कृष्णा ने उन्हें महारानी मां कहकर पुकारा उन्हें अपने पास के सिंहासन पर बिठाया पूरा दरबार हैरान तो था ही साथ ही साथ कृष्णा की मां भी हैरान थी कृष्णा की माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ मैंने इतना बुरा किया और तुम तुम मुझे इतना सम्मान दे रहे हो मैं इसके काबिल नहीं हूं तो कृष्णा ने जवाब दिया माँ मेरे लिए तुम वही माँ हो जिसने एक साल तक अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार मुझे दिया है और माँ तो माँ होती है उसकी बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है अगर तुम मुझे इतना कष्ट ना देती तो मैं कैसे इतना काबिल बनता और हाँ माँ क्या पता मैं भी लाड प्यार से बिगड़ जाता अब तुम इस राज्य की राजमाता बनकर निर्णय सुनाना बस वादा करो इस बार लो वश नहीं सही निर्णय सुनाना न्याय संगत सुनाना और रही बात भाई की उसे तो मैं समझा कर ले ही आऊंगा माँ मुझे इजाजत दो मैं अपना राज्य जीत कर आना चाहता हूं मैं कल ही सेना के साथ वहां जाऊंगा और उस राजा से संधि करने की बात करूंगा अगर संधि नहीं होगी तो फिर देखेंगे क्या करना है लेकिन मैं अपना राज्य और अपना भाई तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा और इस प्रकार कृष्णा अपने सोतेले भाई को भी समझा बुझा सहिरासे सही रास्ते पर ले आया और अपना राज्य भी हासिल कर लिया अपने भाई को उसी राज्य का राजा घोषित किया और स्वयं यही रहकर मां की सेवा में लग गया सब हंसी खुशी रहने लगे समाप्त कहानी का अंत अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हर कहानियां अंत अच्छा नहीं लेकर आती तो कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिसका अंत अच्छा नहीं है वो कहानियाँ भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी आप आँ सबके लिए तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना आप मुझे स्पॉटिफाई पर गूगल पर अमेज़ॉन पर पेट्रॉन पर सब जगह जाएं फॉलो करें तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कहानी के साथ तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम